और अभी मम्मी भी सामान पैक करने लग गई है ननद जी के लिए। तो अभी एक कट्टा मैंने अपने सर पर रख लिया है और हमारे आते ही ना ननद जी भी इमोशनल हो गए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और अभी सुबह हो गई है और आज का मौसम काफी ज्यादा बढ़िया है, तो मैं आ गया हूँ पीछे की तरफ से और यहाँ पे सभी लोग आ गए। मम्मी भी बैठी है यहाँ पे और यहाँ पे उषा भी है और बच्चे भी हैं। हेलो वंशु, गुड मॉर्निंग। खेल कर रहे हो? अच्छा, और ये जो बच्चे हैं ना अंदर बहुत ज्यादा कम रहते हैं, बाहर रहते हैं इस साइड को, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा होता है, पेड़ वेड़ है तो इनको यहाँ पे रख सकता है। अंदर गोल गया बेटा, गोल है अंदर। हाँ, क्या खोलो? अच्छा खोलना है इसको, ये लो। चलो चलो अंदर, गोल भी है, ठीक है, आराम से आना। हाँ, म्याऊं घोड़ा टिटी। अच्छा, तो बच्चे तो वहाँ पीछे खेल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अंदर, क्योंकि हमारे जो ब्लॉगर साहब है पूजा मैडम वो अंदर ही है। और यहाँ पर मम्मी, और मम्मी की आजकल थोड़ी आंखें सूजी हुई हैं, आंख सूज गई आज। और आजकल मम्मी के ऊपर ना बटन बहुत ज्यादा पड़ गया है बच्चों को संभालने का, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों को संभालना। मम्मी सुबह उठने के बाद सीधे बच्चों के पास आ जाती है तो पूरा दिन बच्चों के साथ रहती है, पर उसमें भी ना कुछ खा पाती है ना कुछ पी पाती है और सो भी नहीं पाती है, तो जिस चक्कर से यार मम्मी पे बटन बहुत ज्यादा पड़ गया है आजकल। और गाइस, आज हमें जाना है मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसके घर पे, वो रहती है रामनगर पे, तो आज मैं और पूजा वहाँ जाएंगे। और गाइस, अभी आ गया हूँ मैं किचन में, तो यहाँ पर है हमारी ब्लॉगर साहिबा। हेलो मैडम जी, क्या हो रहे हैं यहाँ समाचार? कुछ नहीं, बस बढ़िया हो रहे हैं। और अभी नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ किचन की साफ सफाई कर रही हूँ, और मेरे को इतना सा टाइम नहीं है कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ। आजकल ना काम के चक्कर में ब्लॉग स्टार्ट करना भी भूल जा रही हूँ, तो हस्बैंड जी ने फोन उठाया और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, और मुझ पर कभी कभी गुस्सा भी हो जा रहा है कि तुम ब्लॉग बनाना भूल जा रही हो। लेकिन क्या करूँ, अभी जिम्मेदारियाँ ना बहुत ज़्यादा आ गई हैं, घर पर दो बच्चे भी हैं, घर के काम भी हैं, और आज तो हमें ननद जी के यहाँ भी जाना है, तो मैं सोची हूँ वहाँ जाने से पहले पहले घर के सारे काम निपट जाऊँ, क्योंकि मम्मी और उषा को बिल्कुल टाइम नहीं है घर के काम करने का, उनके पास तीन बच्चे रहेंगे। और नाश्ता है मेरे लिए? हाँ, नाश्ता तो बना दिया मैंने सुबह ही, सबसे पहले उठ के मैंने नाश्ता बनाया, फिर झाड़ू पोछा करा, मैंने नाश्ता कर दिया, लेकिन तुमको नहीं पूछा क्योंकि काम है पहले। गाइस देख रहे हो, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है घर पे, मुझे कोई ना खाने के लिए पूछ रहा है ना किसी चीज के लिए नहीं पूछ रहा है, ये तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है गाइस, ये लेट में उठते हैं, लेट में कॉल गेट करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेजी इंसान है, इनके चक्कर में हम भी कब तक भूखे रहे, क्योंकि मेरे को घर के भी काम करने थे और थरथराहट पड़ जाता है भूखे पेट। और गाइस, अभी आ गया है नाश्ता, और नाश्ते में है आम के अमटोले और रोटी, तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। और मैंने अभी वंशु के पापा को नाश्ता भी दे दिया है, तो अभी मैं कर लेती हूँ घर की थोड़ी साफ सफाई, क्योंकि यार ननद जी के यहाँ जाना है और वहाँ से आने में काफी टाइम लग जाएगा, तो मैं सोचू काम निपटा के जाऊँ, और मन को ना सुकून मिलता है घर के सारे काम होके जाऊंगी तो। और अभी मम्मी भी सामान पैक करने लग गई है ननद जी के लिए, तो यहाँ पर धनिया रख दिया है थोड़ा। मम्मी इसमें क्या है? इसमें भी धनिया है, यहाँ पर लहसुन है, और इसमें चने रखे हैं। तो माँ बाबू का ऐसे ही होता है कि मेरी ये भी चीज़ खा ले, लड़की ये भी खा ले, माँ बाबू का बच्चों पे इतना प्राण टका रहता है ना, तो मम्मी ना सबके लिए सोचती है, मतलब मम्मी ये सोचती है कि सब बच्चों को बराबर मिले, कि आज यहाँ पे ये चीज़ हो रखी है तो वो भी चख ले, क्योंकि ननद जी लोग मार्केट में रहते हैं तो वहाँ पर ना घर की चीज़ें मिल नहीं पाती हैं, मार्केट से ही सब कुछ खरीदना पड़ता है, तो मम्मी जो भी घर में फसल कुछ भी होता है तो उसको भेजती है। और आज मम्मी यहाँ पर पैकिंग कर रही है सामान की। मम्मी आम भी कह रहे थे, वो आम भी तोड़ते हैं फिर दो दो चार दाने, चार दाने आम टोल के लिए। आम टोल के लिए तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारी कुटुरियां बांध दी हैं। हमारे पहाड़ों में ऐसी कहते हैं, जो सामान छोटी छोटी चीजों में रखते हैं ना पन्नियों में, तो कहते हैं कुटुर बांध दी है, तो मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें रख दी है। मम्मी अभी और कुछ तो नहीं रखना है, याद कर लो, फोन में पूछ लो। ना रख दिया है, इतना ही चीज है फिर। और देखो आ मम्मी, ये उड़द रख दी है, सूजन भी आ रखी है कल रात में, बहुत आ रही है, कहा बहुत सूजन आ रही है, मेरे को सहनी नहीं होता सर में दर्द, फिर बच्चा अभी रात में सोना भी नहीं हो रहा है ना। तो अभी घर के सारे काम निपटा के हम लोग भी तैयार हो गए हैं ननद जी उनके यहाँ जाने के लिए, और बाहर ना बहुत तेज की धूप हो रही है क्योंकि दिन के 12 बज गए है। थोड़ी मम्मी उधर को खिसकाना इसको। तो आज हम ननद जी उनके यहाँ प्याज देने के लिए जा रहे हैं, और मम्मी ने थोड़ा बहुत घर का सामान भी रखा है, चने लहसुन धनिया। तो अभी हस्बैंड जी स्कूटी चेक कर रहे हैं कि चलाने में कंफर्टेबल हूँ या नहीं। तो अभी एक कट्टा मैंने अपने सर पर रख लिया है, क्योंकि हस्बैंड जी स्कूटी को बाहर की तरफ ला रहे हैं। दिक्कत आ रही है इसको। और अभी हम लोग भी सारा सामान रखने के बाद स्कूटी में बैठ गए हैं, तो हस्बैंड जी को थोड़ी दिक्कत भी आ रही, क्योंकि प्याज के कट्टे में ना आफत आ रही, पैर रखने का बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रहा है, तो लंबा सफर भी है। देखते हैं रास्ते में कहीं पर अगर बैठने का होगा तो सही कर लेंगे। तो
नन्ना जी लोग के घर में पहुंच चुके हैं। तो नन्ना जी लोग का जो घर है वो रोड के बगल में ही है, तो अभी हम घर के नीचे से खड़े हो रखे हैं और अभी हस्बैंड जी आने लग गए हैं आगे की तरफ को, और अभी हम लोग भी नन्ना जी उनके अंदर पहुंच गए हैं। और बाहर तो बहुत तेज की गर्मी होती लेकिन अंदर आके ना बहुत ज्यादा सुकून मिला, यहाँ पे ठंडा हो रहा है एकदम। तो यहीं पे नन्ना जी की सास भी आई है, मम्मी जी ठीक हो? खुश रहो ठीक है। तो बाहर के रूम में हमारे भांजे भी आ रखे हैं, तो हमारी जो छोटी वाली नन्ना जी उनका एक बेटा है और इनका नाम है मितांशु। ठीक हो बेटा? आपको हाय कर दो। और यहीं पे नन्ना जी के हस्बैंड जी भी आ गए हैं। भैया ठीक हो? बैठो। अरे इसमें मम्मी ने थोड़ा सामान भेज रखा है। अच्छा बैठो। हाँ चने वगैरह है इसमें। तो अभी मैं चलती हूँ अंदर की तरफ को, और अंदर जाने से पहले ही नन्द जी यहाँ पे आ गई हैं। तो आज मैं मिलाती हूँ आपको सबसे छोटी वाली नन्द से, इनका नाम है ममता। और हम लोग सब लोग घर में ना इनको छोटू बोलते हैं क्योंकि ये घर में सबसे छोटे हैं। और अभी ममता हमारे लिए रुआवजा भी लेके आ गई है, और काफी अच्छा है, ठंडा ठंडा है एकदम। तो गर्मी में ना रुआवजा पी के आनंद आ जाता है यार, खाली पानी पी के आ रहे थे अभी तक तो। और नन्द जी ना बहुत टाइम हो गया मायके नहीं आई है, तो आज हम ही इनसे मिलने के लिए आ गए हैं। और रुला तो थोड़ी सी इमोशनल भी कर दो। और ये ना बहुत ज्यादा तो आता है नहीं, दूसरे को रुलाने में मजा आता है। और ये ना बहुत ज्यादा इमोशनल, अभी हम उजासीबू कहते हैं ये इतने में ही रो जाते हैं यार, इनको भी याद आती होगी लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया नहीं आया, तो मिस करते हैं बहुत ज्यादा। बैठो भागो मत। और हमारे आते ही ना नन्ना जी भी इमोशनल हो गई, तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे, तो अभी चले गए अंदर की साइड को। लगता ही है बुरा मायके से अभी हम आए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा होगा फील क्योंकि बहुत टाइम हो गया नहीं आए हुए। तो अभी मैं चलती हूँ थोड़ा अंदर की तरफ को क्योंकि ममता ना रोते हुए गए हैं, तो देख के आती हूँ कि नॉर्मल हुए हैं या नहीं अभी तक। ओ ममता क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, जिया बगल में जिया जी आए हैं उनके लिए खाना। अरे अच्छा। और नन्ना जी ने यहाँ पर लंच ही बना दिया, तो आज लंच में चावल रायता राजमा और यहाँ पर सलाद भी रखा हुआ है। हम भी खाना खा के नहीं आए हैं यार ऐसे आगे, आज इनको खाना नहीं खिलाया जाएगा, भूख लग गई आज जोर की। तो नन्ना जी लगी हैं किचन में खाना बनाने की तैयारी में, थोड़ा बहुत खाना बना दिया और अभी सब लोगों को बांट भी रही हैं। तो अभी लगाने लग गए हैं नन्ना जी अपने बेटे के लिए खाना, और बच्चा खाने में बहुत ही दिक्कत करता है, हमारे परिवार के जितने भी बच्चे हैं ना खाने में बहुत दिक्कत करते हैं। हमारे घर में पहले बच्चों को खिलाया जाता है, मेहमानों को बाद में। तो यहाँ पे चाय पानी पीने के बाद थोड़ी देर गपशप भी हमारी नन्ना जी के साथ, और अभी नन्ना जी दिन का खाना बना के भी ले आई है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी खाना खाने लग गए, और आज लंच बना रखा है राजमा और चावल और यहाँ पर सलाद, और अभी मेरे लिए भी खाना लेके आ गए हैं जी। तो तुम भी खा लो फिर, खाते पहले औरों को खिलाओ। नहीं तुम भी ले आओ अपने लिए यहीं पर ही। तो अभी हम लोग भी यहाँ पे लंच कर लेते हैं, और भूख भी तेज की लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ता किया था 6-7 बजे, उसके बाद से कुछ खाया पिया नहीं है। तो अभी थोड़ी देर लंच करने के बाद यहाँ पर आराम भी करेंगे, और शाम को उनको घर के लिए भी निकलना है। और अभी मितांशु ने यहाँ पर पानी गिरा दिया था, तो नन्ना जी ना सफाई करने के इसको छोड़ देते, पहले खाना पीना खा लेते फिर। तो कुछ ऐसा ही सीन मेरा भी होता है घर पर क्योंकि जिम्मेदारी बहू की होती है, सबको पहले खाना पीना खिलाना उसके बाद लास्ट में खाना। तो अभी ये जिम्मेदारी यहाँ पर नन्ना जी की हो रखी है, तो हम लोगों को यहाँ पर खाना पीना दे गए हैं वो, और अभी चले गए हैं किचन की तरफ को अपने लिए खाना लेने के लिए। आज मितांशु बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। हाँ, ऐसा ही करता है और दिनों भी करते हैं ऐसे आज ही। जब कोई आता है तो मामा मामी जो आ गए हैं। अरे अरे एक्सरसाइज होने लग गई, तो अभी हम लोगों ने भी लंच कर लिया है, और अभी मैं और नन्ना जी जाने लग गए हैं मार्केट की तरफ को थोड़ा घर का सामान लेने के लिए, और मार्केट ना इनके घर के जस्ट बगल में ही है। और अभी हम मार्केट में तो पहुंच चुके हैं लेकिन ना मार्केट अभी कम ही खुली है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं कॉस्मेटिक की दुकान में क्योंकि मुझे ना अपने लिए चूड़ियाँ खरीदनी है, और नन्ना जी तो दुकान के अंदर चले गए हैं। ममता डब्बे वाली चूड़ियाँ नहीं लेनी है, वो खुली चूड़ियाँ लेनी है। हाँ ऐसी टाइप की चूड़ी तो यही अच्छी लग रही है ना, और फाइनली मुझे अपने लिए चूड़ियाँ भी पसंद आ गई हैं, तो ये वाली चूड़ियाँ ली हैं, और एक दर्जन मैं अपने लिए ले रही हूँ, एक दर्जन ले रही हूँ उषा के लिए, तो उन्होंने भी मुझसे बोला था चूड़ी ले आना भाभी, तो इसको पैक कर दो। और थोड़ा बहुत सामान और भी लेना है, उसके बाद से अभी हमको घर के लिए भी निकलना है। और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ रखी हैं, हाँ देख के ना मन ललचा रहा है इनको। तो ममता तुम भी ले लो अपने लिए चूड़ी वगैरह कुछ, मैं बड़ा खर्चा कराऊंगी। और चूड़ी लेने के बाद मैंने अपने लिए कड़े भी पसंद कर लिए हैं, तो ममता बोल रही कड़े ना काफी अच्छे लग रहे सुंदर, तो चूड़ियों के आगे पीछे के लिए तो कड़े चाहिए ही होते हैं, वैसे भी शादी विवाह और हमारे गांव में ना शॉप भी नहीं है कोई चूड़ियों की। और पेमेंट कर रही हूँ मैं,
और पेमेंट कर रहे हैं ममता, जितना भी मैं सामान ले रही हूँ सारा पेमेंट अभी ममता ही कर रहे हैं, तो बाद में हस्बैंड जी इनको बता देंगे जितना भी हिसाब किताब होगा। ये कड़े कितने रुपए के हुए? थोड़ा तो कम कर दो फिर इनके, कड़े के थोड़े कम कर दो यार। और चूड़िया वगैरह लेने के बाद अब हम जा रहे हैं कपड़े की शॉप में, क्योंकि पलक के पास ना पैजामे वगैरह नहीं है, तो यहाँ से एक आध दो पैजामा भी ले जाते हैं। पलक को तो जैसे कैसे पसंद नहीं आते हैं ममता, अभी अच्छे पसंद आते हैं। सही सही लगाओ रेट। और अभी हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर सेल लग रखी है, तो यहाँ पर ना सभी प्रकार की दुकानें खुली हैं, चादरों की, तकियों की और कपड़े बर्तन। तो अभी यहाँ पर हम चादर देख रहे हैं अपने लिए, कोई पसंद आ जाएगी तो। ममता भी आए हैं साथ में। कॉटन की चादर दिखाना, अच्छी क्वालिटी की भैया। और इस शॉप से हमने एक चादर भी पसंद कर ली है, तो जो भैया के हाथ में ये वाली चादर हमने अपने लिए ले ली है। ममता सही है ना चादर, अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। रेट भी सही सही लगाना फिर भैया। और अभी हम लोग भी घर का सामान लेने के बाद जाने लग गए हैं ममता उनके घर की तरफ को। और अभी ना शाम के टाइम पे मौसम भी अच्छा हो गया है, तो दिन में तो मार्केट में कोई नहीं दिखता क्योंकि बहुत तेज की धूप होती है। और अभी मार्केट से हम जस्ट घर पहुँचे ही थे कि फिर से मार्केट जाना पड़ा। और जो पलक के लिए हम पैजामा लेके आए हैं ना, ये थोड़ी छोटी आ गई है और इसमें थोड़ा कट फिट भी लगी है। तो सुनो तुम जाओ ममता के साथ लो, ये है पैजामा ये लो। तो ननद जी के साथ जा रहे हैं हस्बैंड जी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, उसके बाद से अभी हमें निकलना है घर की तरफ को। और अभी मम्मी जी ला गई है यहाँ पे चाउमीन, तो तुम भी खा लो एक। मैं तो खा रही हूँ ये। हाँ एक तुम खाओ, एक उनके लिए भी, ममता लोगों के लिए भी है रखा है, एक दो लाया था ये रखा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चाउमीन भी खा ली, और चाउमीन ना काफी टेस्टी हो रही थी। और अब बारी है हमारे घर जाने की। जी प्रणाम, ठीक है ठीक है ममता बाय। और हमारे जाने में ननद जी थोड़ा इमोशनल भी हो गई है। और अभी हम लोग बाहर को आ गए हैं ममता लोगों के घर से, और बाहर से यहाँ पे स्कूटी खड़ी करके तो हस्बैंड जी ने बैग वगैरह भी संभाल लिए हैं। और अब यहाँ से बारी है हमारी सीधे घर जाने की, क्योंकि शाम भी हो गई है तो हमको टाइम से घर भी पहुँचना है, क्योंकि हमारा घर जंगल में पड़ता है तो वहाँ पे ना बाघ वगैरह का भी खतरा होता है। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। फिर मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।